मन आस्थिर टेंशन स्ट्रेस में है, प्रेम चक्कर का कारण है, जिससे मोहब्बत करते थे वो किसी और की हो गई। आप चाहते हैं हर हाल में पाना, वह भविष्य उज्जवल जो था जीरो हो गया। तनाव मरने के लिए निकले हैं, चाहे जो हो जाए या तो वो प्राप्त हो गए नहीं तो प्राण त्याग देंगे, ऐसी अर्जी आपने हनुमान जी के पास लगाई। रो ना, बोला जाओ। दूसरी बात, सफलता नौकरी में भी आज तक नहीं मिली क्योंकि तुमने ठन ठन तैयारी करी, तैयारी भी तो नहीं करी। एक साल से सब बंद है, पढ़ाई बंद है, कॉम्पिटिशन बंद है। पहले तुम्हें देश की सेवा करनी थी, अब तुम्हारे सब सपने चकनाचूर हो गई के चक्कर में, बाबी प्रेशर में आ गई जबरदस्ती। लेकिन धोखा दाओ उन्हें, जो बिल्कुल कान खोल कर सुन लो, उत्तर भी हम दे भी, लेकिन अभी मैं प्रश्न पढ़ना। एक, मकान की अर्जी आपने लगाई, भवन की। तीन अर्जी लगाई, भवन की लगाई आपने। हाँ, कलेश ना हो बे, उपद्रव ना हो बे, पुनर्निर्माण हो बे भव्य का, ये आपने अर्जी तीसरी लगाई। बोलो, हाँ हाँ लगाई है। तीनों अर्जी स्वीकार है। पहली वाली अर्जी में असंभव है, नौकरी के लिए हमने डेट निकाली 22 मई 2025 को नौकरी का योग है, आशीर्वाद है। जय सीताराम। एक बात और, उसके हाँ भाई ने, क्योंकि इमोशनली ब्लैकमेल किया कि हमारी नाक कट जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे, ये चाहे जो हो जाए, तुरंत फांसी के फंदे पे लटक गया उसका सगा भाई तुमको लेकर, तो वो फिर नतमस्तक हो गई। इसीलिए इन विषयों को हम संकेत में रखते हुए हमारे गुरुजी ने ये निर्णय लिया है कि तुम्हें उससे हट जाना चाहिए, आज्ञा है, नहीं तो एकाध हत्या लंबी हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा और उससे फिर तुम्हारे जीवन में सुखी नहीं रहेंगे, ना वो सुखी रहेगी ना तुम सुखी रहोगे। इसलिए निर्णय ये है, उससे दिमाग हटाओ। और तुम्हारी अर्जी ही हमने इसीलिए लगाई, तुम तो बहुत दिन से बैठे बैठे देर से सोच रहे थे, दिन भर से, कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन बागेश्वर बाबा, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें किसी को अब बताना नहीं, क्योंकि तुमने टोटके भी बहुत किए, उपाय भी हनुमान जी के बहुत किए, प्रार्थनाएं भी तुमने बहुत की, पाठ भी तुमने बहुत किए, विधियां भी तुमने बहुत की, जितनी खुद को आई परिणाम जीरो निकला। तो तुमने बालाजी को जब ये वचन बोला कि अंतिम आप ही हो, चाहे आप मार दो चाहे तार दो, हमें निर्णय चाहिए, इसीलिए हमने आपको बुलाया है कि आपको निर्णय ये है कि आप पहले स्ट्रेस से बाहर निकलो, तैयारी नौकरी की करो, उसका पीछा छोड़ो, क्योंकि उसके चक्कर में वो भाई वाला जो कांड हमने आपको संकेत दिया बहुत बड़ा लफड़ा है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे प्रेम के चक्कर में कोई, समझ गए, अब उसके दो दो घर टूटेंगे, पति धर्म भी बर्बाद होगा और उसका जो है घर भी चला जाएगा। इसलिए हमारी गुरु आज्ञा तुम मानो, दरबार में आए हो तो हम गुरु हैं, तुम हमारे शिष्य हो, जिस गद्दी पर हम बैठे हमारी आज्ञा मानो तो उससे तुम नाता तोड़ो, अपनी नौकरी की तैयारी करो, सफल होगे, ये आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की, सीताराम। खुश, पेट की दिक्कत बन रही है दादा, सावधान रहना, इसी में मंत्र लिखा विधि वो बताई, बुरा ना मानना। हमने बहुत पूरा ब्रीफिंग करने के बाद हमने पहले आपके पूरे केस को पढ़ा, स्टडी की, पढ़ने के बाद हमने निर्णय लिया, जब हमारे सन्यासी बाबा ने लास्ट उत्तर दे दिया कि इस बच्चे को यही उपाय है। हमारे सामने दो दो धर्म है, आपका प्रेम भी है पर उसका पति धर्म भी है और भ्रात धर्म भी है, वो मर जाएगा, इसलिए दोनों पक्षों को हमने मजबूत देखते हुए आज्ञा दी कि तुम हट जाओ आज से, आशीर्वाद।
अगला नंबर लिखा, आप अपनी चिट्ठी लाए हैं बिना माइक के, आपके पास कोई चिट्ठी है, आप अपनी चिट्ठी खोलो, हमने आपकी चिट्ठी पढ़ ली जब आप दरबार में आए थे। माइक नहीं चलाना है, चालू रखना है? नहीं, क्यों? आपको तो बहुत जानने का शौक था ना? नहीं नहीं, माइक नहीं चलाना, पर आपको तो जानने का बड़ा शौक था ना, और आपको तो ये भी शौक था कि हम देखते हैं, देखेंगे, ये भी समझेंगे हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। आप तो बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी, इसीलिए हमने तुम्हें नाम से बुलाया, इसीलिए, क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत भावों को भक्त हैं, तुम थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाती थी, इसीलिए हमने तुम्हें बुला के, आओ तुम्हारी ठटरी बार है। माइक में नहीं बोलना, हम तो बहुत मूड में यहां बैठे थे कि बहुत अच्छे तरीका से छीले ताकि घर जाकर मुंह दिखाने लायक ना बचो। चलो निकालो चिट्ठी, अब आज के बाद मत सोचना। अब समझ आ गई तुम्हें? समझ आ गई? हाँ, करो गलती मानो, बालाजी अभी क्षमा नहीं कर रहे हैं, पहले आप सुधार करो, उसके बाद आशीर्वाद। अब हो गया भरोसा? बोलो माइक से, सही रहेगा, ठीक है भगवान, आशीर्वाद। लो माइक अब बहना, ये पढ़ी लिखी थी थोड़ा ज्यादा, इंटरनेट में जानती हैं ये बहुत ज्यादा, इनको लगा कि बाबा इंटरनेट चलाता है, इन्हें यही नहीं था पता कि हम तो, हमारा वाईफाई यहां से है ही नहीं सिस्टम में, पर गलती तो गलती है। हाँ, तो वो सामूहिक क्षमा मांगो, तब हमें होगा, जो गलती हुई तुमसे कि हमने गलत सोचा, हम क्षमा मांगते हैं, नहीं तो अभी भी हमारे लोग पॉइंट ज्यों के त्यों रखे हैं। गुरुजी, हमसे जो गलती हुई हम क्षमा मांगते हैं। अब तो नहीं ऐसा सोचोगे ना, बोलो? नहीं नहीं, हम नहीं सोचेंगे। पक्का? अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जीरो हो गई? हाँ, हो गई। जाओ, हम इतने में तो खुश हो जाते बहना। आप स्वस्थ रहेंगे
तुम्हारी लाली के लिए भी हमने एक विषय के लिए हमने लगाया है उसका, हर हाल में उसकी नौकरी भी उसकी लगाएंगे, इनकी नहीं इनकी बहन जी की। हाँ होगा तो इनको हमने आज्ञा दे दी है, पहले इन्होंने जो भूल ये की है इस पर प्रायश्चित करें, तब बालाजी इनको क्षमा करेंगे, इसके बाद में फिर हम इनकी व्यवस्था बनवाएंगे, कोशिश भरे के वहीं हो जाए। ओके सिस्टर, ले भाई सफल हो जाए। अगला नंबर, भगवान की कृपा से सन्यासी बाबा के प्रभाव से अंगली अर्जी जो स्वीकार हुई है, बाएं हाथ की एलईडी के पास में जो माताजी खड़ी हुई हैं सॉल ओढ़े हुए, आ जाएं। यस आइए पालो, कहां से हो? बिहार, बिहार से बानी है रउआ? बिहार में कहां से बानी है? नालंदा जिला से। वाह का हाल वाह, सब ठीक बा ना? कुछ दिन पहले बिहार में का वाह बोले बागेश्वर बाबा। तुम भी बहुत रसिया हो भैया, तुम्हारी भी पिक्चर शुरू हो गई हमारे पास। हमारी शक्तियां भी बड़ी गजब की है यार। राम गुरुजी बहरा हैं, गुरुजी बहरा हैं, अब गुरुजी को सुनाई नहीं दे रहा है, दोनों कान बुझक गए। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं दादा? बालाजी पूछो, किसको चाहिए तुमको? हमको लगता है लोगों को मलेरिया होता तुम लवेरिया में आए हो। हाँ जी अना जी, अच्छा उसका नाम क्या है? आज हो ही तो जाए दो दो बातें, काय ब्याह या करना है क्या? आय हाय 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 हाय, क्या मुस्कुराहट है तुम्हारी। ओहो दूल्हे राजा, पढ़िए, उज्जवल होगा जीवन लब तुम्हारा, सफल होगा खुशबू से ही शादी का योग है, आशीर्वाद है। ये तुमने बताया था क्या यहाँ माइक? ये तुमने बताया था? नहीं किसी को बताए थे। फिर कैसे पकड़े गए हो? हाँ। मोरो प्यार तुम, लेकिन एक बात, बहुत भक्त हो हनुमान जी के। जी वो भी भक्त जी, उसने कहा था कि बाबा सुनेंगे, वो तो हमसे भी बहुत ज्यादा। उसने वो ये भी कहा था कि हमने यहाँ से अर्जी लगाई है और बालाजी को अगर हम दोनों को मिलवाना होगा तो अर्जी लगेगी। जी सीताराम सीताराम, पापा के बहुत पैर में। एक मिनट, पिताजी के बारे में क्या जानना? उनके पैर में बहुत दर्द है, ठीक नहीं। एक बार आ जाएंगे क्या? हाँ आ जाएंगे। हैं? जी। ये हमने उनका लिखा, तथा पिता बहुत ज्यादा परेशान, स्वास्थ्य दिक्कत, पैर की नस में भयंकर पीड़ा है, उठने बैठने चलने में भी समस्या है। यही है, ये मंत्र है, इस मंत्र की जाप हम भभूति देते, पिता को झाड़ा लगवाने के लिए ले आना, जाओ आराम लगेगा, आशीर्वाद है। पढ़ सकते अगला नंबर। राम साधु जी बागेश्वर धाम की, चलो भैया खुशबू ही खुशबू आए। जय
तो कायो भैया बिहार में का बा? आप जाओ, तबीयत ठीक रहेगी, जाओ दादा। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग आते बेचारे, कड़ाई में तलने के लिए। और बोला, आइए मालिक, कहां से आना हुआ है? ए? उत्तर प्रदेश से। पहली बार किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? कहां पहली बार आए आप? क्या कितनी बार आ चुके? आओ नजदीक थोड़ा। उठा पटक में बालक का हाथ है क्या? बड़ा वाला बेटा बहुत गुस्साबाज है, ठीक है। तुम्हारे पांव में दर्द रहता है, असहनीय पीड़ा रहती है, बहुत ज्यादा घर में उत्पात मचा हुआ है। बड़ा बालक गलत रास्ते पर है, बुद्धि उसकी विचित्र है, मारता है, सुधर जाएगा, कर्ज भी बना चुक जाएगा, धन तंगी दूर होगी, बालक सतमार्ग पर चलेगा, जाओ, घुटना का ऑपरेशन नहीं होगा, आशीर्वाद है। इसीलिए आए हो आप? हमें मिट्टी लेकर आओ, बालाजी दया करेंगे, मिट्टी लेकर आओ मकान की। हाँ। एक मिनट में बता रहे हैं हम, एक मिनट में, किसी प्रकार का तंत्र तो नहीं है। राम राम, साधु जी साधु जी। देवी की उपासना होती है आपके घर पर, किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं है, ना टोटका है ना बंधन है, उसकी मति ही खराब है और समय चक्र आपका 2010 यानी 13 साल से उल्टा चल रहा है। और ये जो केस मुकदमे हैं, ये भी किसी तंत्र के कारण नहीं है, भूमिगत कारण है। निपट जाएंगे, पक्ष में हो जाएंगे, पहले बालक सुधरेगा, क्योंकि वो मरने मारने पर तुला है, या तो एकाध को मार देगा, तुम्हें भी 2-3 बार वो पूजा चुका है, पूजा कर चुका तुम्हारी। तो हम पहले करेंगे उसके लिए उपाय, इसके बाद करेंगे शेष उपाय। कवच देंगे, उसका फोटो दो तुम, मंगलवार को पेशी पूरी करो, सुंदरकांड बालाजी को सुनाओ। एक उपाय तुम्हें करना है, उपाय में तुम्हें सोमवार के दिन बड़े वाले बालक के नाम से देवी माता को 108 नींबुओं की माला चलानी। फिर से सुनो, बाद में हमें ध्यान नहीं रहता, जब तक सिग्नल है तब तक। 108 नींबुओं की माला सोमवार के दिन देवी माता को बड़े वाले बेटे की क्रोध शांत करने के लिए चढ़ानी है। ऐसा आप करेंगे, बालक का आवेश शांत होगा, विसंगति छोड़ेगा और तुम्हारी पूजा भी नहीं करेगा। समझ गए पूजा कौन सी? धुलाई सुटाई। हाँ या ना? अरे बोलो तो, उमें का बुराई है, बच्चों से तो बाप पिटते ही है। कलयुग का धर्म यही है। हाँ लाइए, आशीर्वाद मुकदमा पक्ष। हाँ जी, ओ ओके, हाओ बस तैयार करो। गुरुजी मार गए। हाँ अगला नंबर आइए, तब तक राम गुरुजी सीताराम। दरबार के क्रम में श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से जो अर्जी स्वीकार हुई है, सामने बालक हाथ जोड़ करके साउंड के पास में खड़ा हुआ है। आजा बेटा, हाँ हाँ आजा आजा, आजा।
तो टोपी फुल लगाए हुए सर में, जल्दी आ जाए, तो बैठ, बुढ़ापे में खड़ो हो गो, बालक थोड़ी हो तुम। उन्हीं राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, सन्यासी बाबा सीताराम, इसके बाद में हाँ जो बड़ा ध्वज लिए हुए सबसे लास्ट में खड़े तुम आ जाओ, ध्वज मतलब झंडा, सबसे बड़ा पीछे खड़े हुए, और एक माताजी ममता नाम की बहन जी भी लास्ट के कोने में विराजमान है दक्षिण भाग में, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है, तब तक तुम नजदीक आइए। बोलो बागेश्वर धाम की। साधु जी, साधु जी, कहां से हैं आप? हरियाणा से।